राजस्थान में चुनावी दंगल के बीच जहां एक तरफ सत्तारूढ़ कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में कूद चुके हैं, वहीं दूसरी ओर सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ईडी के अधिकारी पूछताछ करेंगे। उनसे राजस्थान के जयपुर स्थित ईडी के दफ्तर में पूछताछ हो सकती है। सूत्रों ने बताया कि फेमा केस में उनसे होने वाली पूछताछ के दौरान उनका बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। ईडी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत दर्ज मामले में वैभव को नोटिस भेजकर दिल्ली या जयपुर स्थित दफ्तर में हाजिर होने के लिए कहा था। वैभव ने गुरुवार को कहा था, 12 साल पहले भी मुझे ईडी ने समन भेजा था, तब भी हमने उनके साथ सहयोग किया था, उनके समन का जवाब दिया था। इस बार भी हमें अंदेशा था कि चुनाव के दौरान हमें फिर बुलाया जा सकता है और इस बार भी हम उनके समन का जवाब देंगे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वह ईडी पूछताछ का हिस्सा बनेंगे। वैभव ने कहा, मैं भागूंगा नहीं, ना ही डरने वाला हूं, हर सवाल का जवाब दूंगा। ईडी सूत्रों ने बताया कि राजस्थान टूरिज्म में जुड़े ट्राइटन्स होटल एंड रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड तथा वर्धा एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड नाम के दो समूहों पर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए ज्ञात सोर्स से अधिक राशि जुटाने के आरोप लगे थे। वैभव गहलोत की कंपनी पर शेल कंपनियों के जरिए 100 करोड़ रुपए मॉरिशस भेजने के आरोप हैं। जून में राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने ईडी में इसकी शिकायत की थी। उन्होंने वैभव गहलोत पर होटल फेयरमाउंट में मॉरिशस की शेल कंपनी की ओर से करीब 100 करोड़ के निवेश के आरोप लगाए थे। वैभव गहलोत की कंपनी के खिलाफ साल 2012 में भी बीजेपी ने आरोप लगाए थे। बाद में साल 2015 से 16 में ईडी ने जांच शुरू की थी। वैभव के बिजनेस पार्टनर रतन कांत शर्मा ने मार्च 2007 में ट्राइटन होटल एंड रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कराई थी। अप्रैल 2007 में इस कंपनी के 100 रुपए कीमत वाले 2,27,000 शेयर रत्न और उसकी पत्नी जूही के नाम थे। इसके अलावा 14,500 शेयर भी जूही के नाम थे। जुलाई 2011 में ट्राइटन होटल्स के 2,500 शेयर मॉरिसस की कंपनी शिवनार होल्डिंग्स को 39,900 प्रीमियम पर दिए गए। इसके बाद ईडी में कंपनी इसके निर्देशकों और प्रमोटरों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। बता दें, साल अगस्त में भी 3 दिनों तक लगातार जयपुर, उदयपुर और मुंबई तथा दिल्ली में ठिकानों पर छापेमारी हुई थी, जिस दौरान 1.2 करोड़ रुपए की नकदी की जब्ती हुई थी। जांच में आय से अधिक संपत्ति का पता चला था। कंपनी से जुड़े रहे वैभव गहलोत से इसी सिलसिले में ईडी की पूछताछ का समन करना है। सूत्रों ने बताया कि गहलोत के खास कारोबारी रतन कांत शर्मा भी जांच के दायरे में है। इस पर ईडी आगे क्या कुछ करती है, यह देखने वाली बात है। VideoDesk AmarUjala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।